अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। जो नहीं आया ना उसके नंबर हमारे पास नोट है, वो मिला नहीं। ये दोनों के ले जाओ। पानी चाहिए क्या? जूते खोल ले। नहीं पानी नहीं पिलाना। आप कहाँ से? रतलाम से। आप रतलाम से? कितने किलोमीटर की आपकी दौड़ थी? 25 किलोमीटर। कितने इसमें शामिल हुए थे प्रतिभागी आपके? लगभग 150 ऊपर है। कितने घंटे? 4 घंटे का टाइम मिलता है। 4 घंटे का। अभी कितने किलोमीटर दूर आपकी हो गई है? ये लगभग 22 किलोमीटर हो गई है। और कितने 3 घंटा हुआ। कितने थे इसमें? 160 और लड़कियाँ कितनी थी? लड़कियाँ होंगी सर 12-15। ये वन मंडल की है ना? हाँ, वन मंडल फॉरेस्ट। कहाँ जो फिजिकल ट्रेनिंग है, काय की ट्रेनिंग? मेरा नाम श्रीराम मीना है। हाँ। ये बन रखतक की 25 किलोमीटर की फिजिकल पैदल चाल है, 4 घंटे का समय है। कहाँ से शुरू हुई थी ये? चली थी मेन किरोड़ देवास से। और कहाँ पे खत्म? 12.5 किलोमीटर तक। अच्छा, महिलाओं की दौड़ थी, कितने किलोमीटर की महिलाओं की दौड़? महिलाओं की थी 14 किलोमीटर की। 14 किलोमीटर की, ठीक है। आपका नाम बताइए। श्रीराम मीना। कहाँ? देवास से। 25 किलोमीटर की। कहाँ से शुरू हुई थी ये? मेन की रोड। वो अच्छा, पुरुषों की कितनी दौड़ है, कितने किलोमीटर की? 25 किलोमीटर। और महिलाओं की? महिलाओं की 14 किलोमीटर। कितने लोग शामिल हुए थे इसमें, जानकारी है? ये तो पता नहीं है। ठीक है। कितने किलोमीटर की दौड़ थी आपकी? 25। तो अभी कितने किलोमीटर तो आप पैदल चल चुके हो? 23 किलोमीटर चल चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे जो दौड़ में कितने लोग शामिल हुए थे? यहाँ पे लगभग 150 लोग। 150। अच्छा, ये पुरुषों की जो दौड़ थी कितने किलोमीटर की थी? 25 किलोमीटर। और महिलाओं की जो थी? 14 की थी। आपका नाम बता दीजिए। अभिनव। कहाँ से आप? जबलपुर। और अभी आप कौन सी दौड़ में शामिल हुए थे? ये फॉरेस्ट की जो दौड़ थी उसमें जिला गुना से आया हूँ। मेरा नाम अवला लक्ष्मण सिंह है, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। ये 4 घंटे की दौड़ थी जो मैंने 3 घंटे में पूरी कर ली। अच्छा, ये जो दौड़ थी ये कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पे खत्म हुई थी? ये फॉरेस्ट ऑफिस, यहाँ ये जगह का नाम जो है वनमंडल कार्यालय क्षेत्रीय देवास से स्टार्ट की। ये लास्ट में कोई गाँव था 12.5 आटा गाँव से रिटर्न दोबारा वापस था, यहाँ लास्ट फिनिशिंग वापस यहीं तक था। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा अवला एक्समैन लक्ष्मण सिंह लोधा, जिला गुना से। बताए कहाँ से हैं आप और क्या कहना चाहेंगे? मैं वहाँ उज्जैन जिले से हूँ। अभी आज 27 तारीख को हुए वन रक्षा की पैदल चाल थी 25 किलोमीटर की, 4 घंटे। अच्छा, ये कहाँ से शुरू हुई थी? ये अपने मेन की रोड इको पार्क से शुरू हुई थी। हाँ, तो यहाँ से 12.5 किलोमीटर जाना था हमें। हाँ, 12.5 किलोमीटर वापस रिटर्न आना था। अच्छा, ये इसमें जो पुरुषों की दौड़ थी ये कितने किलोमीटर की थी और जो महिलाओं की थी ये कितने किलोमीटर की थी? पुरुषों की थी 25 किलोमीटर की। हाँ, और महिलाओं की थी 14 किलोमीटर। ठीक है, आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं ये वाली? क्या ये वन रक्षक की तो पहली बार दे रहा हूँ। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र चंद। कहाँ से आप? मैं उज्जैन जिले से। दौड़ थी उसमें शामिल हुए थे, कहाँ से हैं आप और कितने किलोमीटर दौड़ थी? हम उज्जैन जिले से हैं, होमगार्ड में थे। होमगार्ड से हम प्रतिनियुक्ति पर 5 वर्ष की SDRF जो आपदा प्रबंधन थे उसमें प्रतिनियुक्ति पर हम पदस्थ हैं उज्जैन उज्जैन से। अच्छा, आज आपने जो किस दौड़ में शामिल हुए थे और कौन से विभाग की दौड़ थी? ये वन रक्षक और वन क्षेत्र रक्षक के लिए जो वैकेंसी निकली थी उसमें हम शामिल हुए। कितने किलोमीटर की दौड़ थी? ये
25 किलोमीटर की। अच्छा, यहाँ ये दौड़ कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पे इसका समापन हुआ? ये वन रक्षक कैंप मेन की रोड से स्टार्ट हुई थी, जो 1.5 किलोमीटर दूर हमको जाना था और वहाँ से तय करके वापस 1.5 किलोमीटर हमको 12 किलोमीटर दूर 12। अच्छा, इसमें महिलाओं की जो दौड़ थी वो कितने किलोमीटर की थी इसमें? ये महिला की दौड़ थी 14 किलोमीटर 14 किलोमीटर की। ठीक है, आपका नाम? जितेंद्र चौहान। कहाँ से हैं? उज्जैन से। अच्छा, इस जो आज दौड़ थी इसमें कितने प्रतिभागी जो थे इसमें शामिल हुए थे? हमारे SDRF के जवान मान के होमगार्ड के अगर माने तो 91। और टोटल कितने थे अन्य भी माने तो? अन्य को मिला के वो तो भर्ती के हिसाब से था। ठीक है, आपका नाम एक बार बताइए। जितेंद्र चौहान। और आइए, कितने किलोमीटर की दौड़ थी और कहाँ से आप आए हैं? हमारी 14 किलोमीटर की दौड़ थी गर्ल्स की और बॉयज़ की 25 किलोमीटर थी और हमें शाजापुर डिस्ट्रिक्ट की बेलछा गाँव से हूँ। अच्छा, ये दौड़ कहाँ से शुरू हुई थी? ये दौड़ यहीं से मेन की रोड से स्टार्ट हुई थी, तो इस बीच में 2 गाँव पड़े थे। अरे, यहाँ देखा गया कि जो वन विभाग द्वारा जो जगह जगह पर जो ग्लूकोज भी दिया गया है और अन्य व्यवस्थाएं भी की गई थी? हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी, संतरे गोलियां वगैरह, पानी, ग्लूकोज सब की व्यवस्था की थी गर्मी को देखते हुए। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा मुस्कान मंसूरी। कहाँ से आप? बेरछा मंडी डिस्ट्रिक्ट शाजापुर। इसमें शामिल हुए हैं और कहां से दौड़ शुरू हुई थी और कहां पे खत्म हो रही है? आज कुल आने वाले अभ्यर्थी 173 थे और इसमें से 169 जिसमें से 18 महिला है, 151 पुरुष अभ्यर्थी पैदल चाल में शामिल हुए और सुबह 6 बजे से इको सेंटर देवास से चाल प्रारंभ की गई है और रोड गांव तक 12.5 किलोमीटर जाना है पुरुषों को और वापस आना है उनको तो 25 किलोमीटर हो जाएगा। महिलाओं के लिए 7 किलोमीटर तक जाना है और वापस आना है तो उनके लिए 14 किलोमीटर समय निर्धारित है उसके लिए कि ये दौड़ हर अभ्यर्थी को 4 घंटे के अंदर पूरी करनी है। सर, ये देखा गया यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ग्लूकोज की व्यवस्था कर रखी है और जो नींबू पानी वो व्यवस्था यहाँ पर वन विभाग द्वारा की गई है। मौसम की उसको देखते हुए सभी पॉइंट्स पे हमारे हमने कम से कम 5-6 पॉइंट्स हमारे हैं जहाँ हम जैसे 3.5 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 12.5 किलोमीटर है, इन सब जगह पे हमने पानी, ग्लूकोज, नींबू, गोली प्लस इलेक्ट्रॉल की व्यवस्था भी रखी हुई है। इस दौड़ के दौरान हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस, एक डॉक्टर साहब, एक उनके असिस्टेंट वो भी साथ में चल रहे हैं, इससे अभ्यर्थियों को कोई अगर आवश्यकता पड़ती तो उसके ट्रीटमेंट देने के लिए साथ में है। सर, ऐसा कोई अभ्यर्थी था जो परीक्षा में आया और वो दे नहीं पाया? यहाँ पे कोई दौड़ 169 तो पूरे पार्टिसिपेट किए, जितने थे सब पार्टिसिपेट किए, अंतिम रिजल्ट तो 4 घंटे के बाद ही पता चलेगा कि कितने उसमें 4 घंटे में आए, कितने घंटे नहीं आ पाए। ऐसा कोई अभ्यर्थी जो दौड़ के दौरान बेहोश हो गया? नहीं, ऐसा अभी तक तो कोई परिस्थिति नहीं है।